तो पश्चिम बंगाल के हुगली में आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। रैली में पीएम मोदी ममता पर खूब बरसे। प्रधानमंत्री ने ममता के हर आरोप का जवाब दिया। पैसा देकर भीड़ बुलाने वाले आरोपों पर पलटवार भी किया। प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा, क्या उन्हें पैसा देकर यहां बुलाया गया है? तो जनता ने ना में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने और भी कई वार किए, सुनिए। साथियों, दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सच हो आप जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप इतनी गर्मी में इतने घंटों से इतनी परेशानी उठाकर यहां आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या कोई बंगाल का नागरिक बिक सकता है? क्या कोई उसको खरीद सकता है? क्या अरे ये तो स्वाभिमानी लोग हैं। पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई बंगाल के लोगों को। ये बंगाल के लोगों का स्वाभिमान है। दीदी, बंगाल के लोग पैसे लेकर के रैली में जाते हैं, ये कहकर आपने बीजेपी को नहीं, मोदी को नहीं, आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और दक्षिण 24 परगना की रैली से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को बाहरी और गुंडों की पार्टी तक कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी अगर पैसों का लालच दे तो ले लेना, लेकिन वोट टीएमसी को देना। इलेक्शन आगे से बोल मैंने 500 টাকা নিয়ে ভোটটা দিয়া এ এইনে মুড়ি খা বাতাসা খা ওদের বলবেন আগে গ্যাসের দামটা ফ্রি কর, আগে গ্যাস ফ্রি দাও তারপরে ক্যাশ দেবে, ওরা ক্যাশ দিলে খেয়ে নেবেন তো কি করবেন? কিন্তু ভোটের খাতায় খরচা করে দেবেন, ঠিক আছে? ক্যাশ দিলে খেয়ে নেবেন, নিয়ে অ্যাস করে দেবেন। অ্যাস মানে গাধা, অ্যাস মানে উনুনের ছাই। আর তাহলে ক্যাশ দিলে করবেন অ্যাস, ক্যাশ দিলে হবে অ্যাস। আর ভোটটা দেবেন উল্টো জায়গায়, মানে জোড়া ফুলে তৃণমূলে, ভয় দেখালেও তৃণমূলে, টাকা দিলেও তৃণমূলে, মিথ্যা বললেও তৃণমূলে, দাঙ্গা লাগাতে দেবেন না। এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। तो बंगाल चुनाव में वार पलटवार तो आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के हुगली दौरे से जुड़ी एक दिलचस्प खबर। जिस जगह रैली हुई उस जगह के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी है। और देखिए, गौर कीजिएगा, सबसे खास बात यह कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए जमीन देने वालों में मुस्लिम किसान भी आगे रहे हैं और करीब 80 परिवारों ने पीएम की रैली के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी और इनमें से 50 परिवार मुस्लिमों के थे। हुगली एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा किसानों के लिए रहा है उपजाऊ जमीन, और यही है सिंगूर आंदोलन की जमीन भी। लेकिन आज की खासियत यह है कि 125 एकड़ जमीन किसानों से ली गई है। रविंदर जी हमारे साथ हैं। एक इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थल ताहा महादेव के यह शरण स्थली है। यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए गंगा से, और इस जगह पर कोई बड़ा मैदान नहीं था तो हमने किसानों से संपर्क किया और किसानों के संपर्क से यहाँ पे हमें 125 एकड़ ज़मीन मिली है। और यहाँ के किसानों ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ फसल लगी थी, तिल का खेत, और इस तिल के खेत में जितने उनके फसल लगे उसकी भरपाई हम करेंगे। और खासियत यह है कि उसमें 90% किसान मुस्लिम समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, और उन्होंने खुशी खुशी ये ज़मीन हमको मोदी जी के रैली करने के लिए दिया है। हमारे लिए वो दोहरे खुशी की बात थी। यहाँ के लोग कृषि में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर उद्योग के प्रति भी लोगों की ललक है। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ममता को हार का डर है और इसीलिए वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए सीट ढूंढ रही हैं। वहीं इस पर टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा।
टीएमसी ने ममता के दूसरे सीट से लड़ने वाले बीजेपी के बयान को अफवाह और बीजेपी का माइंड गेम तक करार दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले दो चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। यह उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं, तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही है, ये तय है। झूठ बोलने की ये जो प्रक्रिया है उसको और बढ़ाया जाएगा और तीखा किया जाएगा। माइंड गेम्स को, जनता को मिसलीड करने के लिए तरह तरह के मिथ्या अफवाह फैलाए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो विशेष रूप से सावधान रहें इसके लिए। आज असम के तामुलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों पर जमकर बरसे। पीएम ने बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में टोपी वालों की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है, उसमें दो बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है, इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है। और आइए अब आपको बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर ये सियासी बवाल खड़ा हो गया। देखिए, इस बयान को लेकर बीजेपी और वीएचपी दोनों ने एआईयूडीएफ और कांग्रेस पर हमला किया। वीएचपी ने तो इस बयान को जिहादी मानसिकता तक करार दिया है। मैंने देखा है कि असम से कुछ लोगों ने कहा है कि दाढ़ी टोपी की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार। ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। भारत के सनातन में जय श्री राम हरे हरे की नारा लग रहा है देश में। ये हमारा सनातन की धरती है, ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता, कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे। असम की धरती पर घुसपैठियों का निकलना तय है, असम में अराजकता को समाप्त करना है और देश में सनातन संस्कृति, सबका साथ सबका विकास। बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने ये कह करके कि असम में आगे आने वाली सरकार दाढ़ी टोपी और लुंगी वालों की बनेगी, उस अपनी जिहादी मानसिकता को पुनः उजागर कर दिया है जिसके कारण आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, जबकि शेष भारत के अनेक हिंदू वाले क्षेत्रों से और असंख्य विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप राष्ट्रपति, सीजेआई
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जैसे सर्वोच्चतम पद इस समाज ने दिए, लेकिन उन्होंने तय कर दिया कि असम के अंदर सिर्फ मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा। अरे इब्ने बदरू जी, आपकी ये मानसिकता एक्सपोज हो गई है। बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए जवानों में 2 छत्तीसगढ़ पुलिस के, 2 सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के और 1 सीआरपीएफ के बस्तरिया बटालियन का जवान है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, और क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? और अखिलेश, नक्सलियों ने एक बार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा अटैक किया है, और एक इसलिए भी अटैक ये बड़ा है क्योंकि सुरक्षा बलों ने हिम्मत दिखाई और नक्सलियों के मांद में जाकर ऑपरेशन चलाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस नक्सली की मुठभेड़ हो गई। इसमें सीआरपीएफ कोबरा के जवान थे, बस्तरिया बटालियन यानी बस्तर के जो एक्सपर्ट लोग हैं और बस्तर के ही रहने वाले हैं, सीआरपीएफ ने एक ऐसी बटालियन बनाई थी उसके जवान थे, और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो कि बस्तर के ही होते हैं और इनको नक्सलियों से लड़ने की एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आज दोपहर करीब 1 बजे ये तीनों संयुक्त फोर्स जो है ऑपरेशन करने के लिए नक्सलियों के गढ़ में बीजापुर के तिर्रम इलाके पहुंचा था, जहां नक्सलियों ने घात लगाकर इन पर अटैक कर दिया और इसमें 5 जवानों की शहादत की पुष्टि डीजीपी डीएम अवस्थी ने कर दी है। वहीं 12 से ज्यादा जवान घायल हैं। अखिलेश, मैं स्पष्ट कर दूं एबीपी न्यूज के दर्शकों को कि शहीद जवानों की संख्या बढ़ सकती है, रेस्क्यू करने के लिए अभी भी टीम वहां पर मौजूद है। तो ये बड़ा हमला है एक तरीके से, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। ज्ञानेंद्र, आगे भी हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।